हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार में। दोस्तों, ये वीवो का फ़ोन है। दोस्तों, आज हम इस वीवो फ़ोन में, आपके पास वीवो का कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, यदि अचानक आपसे जो हेड टच काम करना बंद कर देता है, या आपके डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाता है, या लोगो पे हैंग हो जाता है, या माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर देख लीजिए, हमारे फ़ोन का जो हेड टच नहीं काम कर रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। और ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर उस फ़ोन में होता है जिसका जो है डिस्प्ले चेंज होता है दोस्तों, जिसका कॉम्बो चेंज हुआ होता है, उसमें ऐसा अधिकतर प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, आपको एक बार अपने मोबाइल को रिबूट और रिस्टार्ट करना है। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आप लगातार 10 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका वीवो का कोई भी फोन हो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका अचानक टच काम करना बंद कर दे, या आपके डिस्प्ले पर ग्राफिक आना बंद हो जाए, आपका माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर दे, तो आपका सब कुछ सही रहता है, फिर भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ हो जाता है तो आप अपने फोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके जरूर देख लीजिए, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों फोन रिबूट हो रहा है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ये वीवो का फोन, इसमें थोड़ा समय लगता है रिबूट होने में, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे हम इंतजार करेंगे दोस्तों। तो अधिकतर जिस फोन में फोल्डर चेंज हुआ होता है, या मतलब वैसे भी हो सकता है कि अचानक हमारा जो है चलते चलते अचानक हमारा जो है टच काम करना बंद कर देता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मोबाइल पर फोन आता है और डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे फोन में आवाज़ नहीं आता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मोबाइल लोगों पे जो है अटक जाता है, आगे नहीं जाता है। तो ऐसे में आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपका पैसा भी बच जाए। तो आपको रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को लगातार 10 सेकंड तक आप लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा, और जो भी आपके मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, रिबूट हो रहा है, रिबूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा दोस्तों। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। और यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है दोस्तों। तो अचानक से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है मोबाइल में आपके दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों, कभी भी आपका ये वीडियो काम आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन थोड़े समय में ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारा जो है टच नहीं काम कर रहा, तो अब हम आपको फ़ोन रिबूट और रिस्टार्ट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है फ़ोन जो है टच काम करना शुरू कर दिया है, यहाँ पे देख लीजिए हमारा फ़ोन जो है टच काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है दोस्तों। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। तो वीवो का कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, एक बार आप वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन से जरूर रिस्टार्ट करके देख लीजिएगा दोस्तों, दुकान पे जाने से पहले, हो सकता है कि आपका पैसा बच जाए। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।